अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल डीजी बर्ड्स व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर आने वाली वीडियोज़ मिलें सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि हम लोग सेकेंड रूम भी अपने फिंचेस के लिए तैयार कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा रूम तैयार हो चुका है। हम आपको अभी रूम भी दिखाते हैं अपना जो हमने तैयार किया है, 85 पेयर्स के लिए, 80 पेयर के लिए हमने तैयार किया है। इंशाल्लाह वो भी हम आपको दिखाएंगे और फिंचेस जब हम इसमें छोड़ेंगे इंशाल्लाह वो भी हम आपसे आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी हम लोग इसमें फिंचेस डाल रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको इस कमरे का ओवरव्यू दिखा देता हूँ और ये हमारे पीछे देख सकते हैं, ये हमारे दावर भाई, जिस तरीके से हमारे चैनल का नाम है डीजी बर्ड्स व्लॉग्स, तो डी से इनका नाम आता है दावर नूर और जेड से मेरा नाम आता है जईम। तो इस तरीके से हम लोग ये बाइक हम नज़र आते हैं क्योंकि ये जॉब पे जाते हैं। तो चलिए पहले हम आपको रूम टूर करवा देते हैं किस तरीके से हमने सेटिंग बनाई है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एक अलमारी थी, जैसे उस कमरे में थी दूसरे कमरे में वैसे यहाँ पर भी थी, हमने इसको बंद कर दिया, कवर कर दिया प्लास्टिक के साथ। ये देखें, ये हमारा जाली का गेट बन गया है, पूरा तैयार हो गया है। और ये देखें, ये हम लोगों ने बैठने का सिस्टम बनाया है, इस पर फिंचेस बैठेंगी। देखिए आप लोग बताएं, देखिए हम लोगों ने किस तरीके से, ये इस तरीके से हमने लगाया है डंडे और ये इनके बैठने का इंतज़ाम हो गया है। और ये पीछे हम लोगों ने लकड़ियां भी लगा दी हैं तो यहाँ से बहुत अच्छा हमारी वीडियोज़ बनेंगी। ये देखें, ये हम लोगों ने लगा दी है लकड़ियाँ, अब इंशाल्लाह जब उसमें मटकियाँ लगाएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक लकड़ी ये भी लगी हुई है और ये भी एक दरवाज़ा लग गया है, बाहर दिखा देता हूँ। ये देखें, पीछे पूरी गैलरी बनी हुई है, यहाँ से बहुत अच्छी वेंटिलेशन होती है हवा की और धूप भी सुबह के टाइम यहाँ आती है। तो यहाँ पर भी हम जल्द एक सेटअप बनाएँगे लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके बनाएँगे, वो भी आपको दिखाएँगे। ये देखें, ये एक वाशरूम था, ये हमने बंद कर दिया है और ये पूरा एक कमरा हमारा और एक खिड़की ये भी बनी हुई है बड़ी, इसमें से भी बहुत अच्छी वेंटिलेशन होती है। तो ये देखें टोटल हमारे कमरे का ओवरव्यू। इंशाल्लाह उम्मीद करते कि यहाँ पे हमारे पास अच्छी प्रोग्रेस आएगी फिंचेस की और आप लोगों के साथ भी हम शो करेंगे फिंचेस की जब प्रोग्रेस आए करेगी। तो आप लोग हमारे दुआ में याद रखें और अल्लाह ताला सबके फिंचेस में, सबके बर्ड्स में, तमाम जितने ही बर्ड्स पाले हैं सब में अल्लाह ताला बरकत दे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी और हमारा कमरा जो है बिल्कुल तैयार हो गया, बस अब इंशाल्लाह हम इसमें कल फिंचेस डालेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।